तो चलिए आज बनाते हैं मीठे आटे के चिल्ले, जो कि बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बिल्कुल झटपट से 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा और बहुत हेल्दी है, नुकसान नहीं करेगा किसी को भी। आटे से बनता है और बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगेगा इसमें। तो यहाँ मैंने 2 कप आटा लिया है, इसे पहले छन्नी से हम छान लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 4 चम्मच चीनी। आप अपने अकॉर्डिंग कम मीठा या ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 4 चम्मच चीनी डाल दी है। अब इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। ध्यान रहे कि कोई भी गुठलियाँ ना रहें, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिलाएं। मिलाने में से थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आएगी, आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन अच्छे से मिला लीजिएगा, सारी गुठलियाँ अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से ये डिश बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छे से मिक्स करते हुए, आप इसे मैश करते हुए मिलाएंगे तो सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये देखिए, मैंने इसका बिल्कुल स्मूथ बैटर बना लिया है। अब इसे हमें आधे घंटे के लिए रख देना है, आधे घंटे बाद इसे बनाएंगे। तो यहाँ एक पैन में मैंने देसी घी लगाया हुआ है। मीठी चीज़ों में देसी घी का यूज़ करेंगे तो स्वाद ज़्यादा अच्छा आएगा। बहुत हल्का सा ऑयल लगाना है, चाहें तो ना भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा ऑयल लगाया है इसमें देसी घी। बस इसे आप अच्छे से फैला लीजिए अपने अकॉर्डिंग, गोल गोल, ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से ये फैल जाएगा। हल्का सा घी मैंने ऊपर से भी लगा दिया है, इसे उचाड़ने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस 2 से 3 मिनट आप सब्र कीजिएगा, ये अच्छे से पहले पक जाए, उसके बाद ही उचाड़िएगा। बस ये देखिए, आराम से बिल्कुल उचड़ जाएगा और अच्छे से सिक भी जाएगा। एक साइड से अच्छे से सिक चुका है, तो हम दूसरी साइड से भी इसे 2 से 3 मिनट सेक लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये दूसरी साइड से भी पक गया है और खाने के लिए एकदम रेडी है। तो मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। थोड़ा सा हमें पोर करना है बैटर और उसे फैला देना है हल्के हाथों से, अपने अकॉर्डिंग शेप देते हुए, जितना भी आपसे फैल पाए उस हिसाब से आप इसे शेप देकर अपना फैला लीजिए। और ऊपर से हल्का सा घी लगाइए, 3 से 4 मिनट आपको एक साइड से पकाने में टाइम लग जाएगा। बस ये अच्छे से सिक जाएगा, उसके बाद हम इसे पलटकर दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए, अच्छे से सिक गया है, आप दूसरी साइड से भी इसे पका लें। और दूसरी साइड से भी ये पक गया है और खाने के लिए एकदम रेडी। आप इसे नींबू के अचार के साथ खाएँ, बहुत टेस्टी लगता है नींबू के अचार के साथ। एकदम मुलायम मीठा चिल्ला बनकर रेडी है। सर्व कीजिएगा इसे गर्मा गर्म और शेयर कर देना जिनके साथ भी आप इसे खाना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।